दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल में किसी भी फोटो या स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट को कैसे कॉपी करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही जगह आपके काम आएगा, जैसे YouTube में आप कीवर्ड्स डालते हो या फिर आप कोई चीज़ जल्दी से अपना मैसेज में टाइप करना चाहते हो या फिर आपको यूज़ करना है, अगर कहीं भी आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसका फ़ोटो खींचकर आप उसे टेक्स्ट में बदलकर उसको सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज बना सकते हो। इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ गूगल मॉर्निंग में। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। अपने मोबाइल में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन क्या, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, बड़ा ही अच्छा फ्यूचर है इसका। दोस्तों आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पर ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं गूगल प्ले स्टोर में ट्रांसलेट। तो हमने सर्च करते ही हमारे सामने ये थर्ड नंबर पर आ गया है गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट को हम क्या करेंगे, मैंने तो पहले ही ये इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको उसमें लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेनी है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो हम इससे बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे लिए इजी कर देगा। हर जगह हम इसमें पेन से भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमें ए बनाना है या कुछ भी। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऐसे ए बनाना है, जी बनाना है। ये देखिए दोस्तों, ये सभी इसमें बहुत अच्छे लेटर हैं और आप इन्हें यूज कर सकते हो। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप इसको बोल सकते हो। और इसमें आपको कन्वर्जन का भी मिल जाता है। और कैमरा, हाँ दोस्तों मेन टॉपिक है हमारा, इस कैमरा पर गए, कैमरा पर जाकर हमने क्लिक किया। एक बार क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल को हमें ट्रांसलेट करना है, हमें चेंज करना है उसको। तो अगर हमें इंस्टेंट अभी अपना खींचा हुआ है या कुछ भी, अगर हमें सामने दीवार पर कोई लगा हुआ है स्क्रीन या कुछ भी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है वो उसको कर लेगा। देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें ट्रांसलेट कर देगा जो भी इंग्लिश का है। देखिए कर देता है दोस्तों, उसमें नहीं कर रहा है, सॉरी इसके लिए मैं लाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे पास एक यूटेक्स की ड्रॉप आई ड्रॉप है, इसमें हम को देखेंगे हम कि ये कैसे कन्वर्ट करता है इंग्लिश को हिंदी में। चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ऐसे, अब देखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हिंदी में कर दिया इसने कन्वर्ट। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, आप स्कैन, ये तो स्कैन का ऑप्शन हो रही है, इनपुट एंड पर हम जाएंगे। इनपुट एंड पर जाने के बाद आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर हमारे पास ये कोई, जैसे हमने स्क्रीन शॉट लिया है कोई भी फाइल। ये देखिए दोस्तों, हम इस फाइल को हमने इसमें क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। अब आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा इस पर कोरोना वायरस, ऐसे ऐसे कर आपको कर लेना है अपनी उंगली से ही, तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, ऐसे इसलिए उसको अच्छे से जहाँ पर इसके ये वर्ड्स और की वर्ड्स से। तो इस पर करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट में। अगर आप इसे हिंदी
हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में मिल जाएगा नीचे, और आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहें इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ऊपर आ जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली ऐप है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, और अपना कोई अगर आपका YouTube चैनल हो या फिर कुछ भी हो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी स्टडी में बहुत काम आएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों।